दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जियो के 4G सिम कार्ड को 5G में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। अगर आपका जियो का 4G सिम कार्ड 5G में बदल जाएगा तो आप 5G वाला नेट इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम अपने जियो के 4G सिम कार्ड को 5G में कन्वर्ट कर लें, बदल लें, जिससे हम 5G वाला नेट इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके, तो फिर चलिए वीडियो शुरू कर हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है, जिस तरीके से मैं ओपन कर लिया हूं। आपको यहां पे दिखाई दे रहा सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स, आपको यहां पे एक क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको देख लेना जियो का सिम किस में लगाए, 2 में लगाए कि 1 में लगाए। यहां पे देख सकते हैं मेरा जियो का जो सिम लगा है 4G 1 में लगा है। यहां पे मैं 1 पे क्लिक कर लेता हूं जियो का। क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे प्रीफर नेटवर्क टाइप दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपका प्रीफर एलटी में होगा तो प्रीफर 5G पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिस तरीके से मैं कर लिया हूँ प्रीफर 5G। इसके लिए जरूरी चीज ये है कि आपका फोन भी 5G होना चाहिए, 5G सिम को सपोर्ट करना चाहिए आपका फोन। अगर आपका फोन 4G है तब तो भाई आपका जो 4G सिम कार्ड है जियो का वो 5G में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपका फोन 5G है, 5G सिम को सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पे प्रीफर 5G जरूर होगा। आप प्रीफर 5G पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिस तरीके से मैं कर लिया हूँ। अनलिमिटेड नेट यूज करने के लिए जियो के लिए आपको एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। उस एप्लीकेशन का नाम है माई जियो ऐप। आप यहां पे टाइप कर लीजिएगा माई जियो ऐप, जैसे लिख देंगे आपको आ जाएगा यहां पे ए वाला ऐप, इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इंस्टॉल कर लिया हूं पहले से ही। उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक कर लेना है। आप पहली बार ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मोबाइल नंबर दिखाई देगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा जियो कोड दे दीजिएगा, लॉग इन हो जाएंगे तो आपके सामने भी इस तरीके से आ जाएगा। आपको सर्च बार पे क्लिक कर लेना, आपको यहाँ पे टाइप करना है जियो 5G, आपको टाइप कर देना है। जैसे मैं टाइप कर देना जियो 5G, टाइप कर देंगे तो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा जियो 5G, राइट में देख सकते हैं इन मोबाइल। आपको यहाँ पे जियो 5G यहाँ पे क्लिक कर लीजिए तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है डिवाइस कैपेबिलिटी, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। डिवाइस कैपेबिलिटी पे क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ब्रांड, आपका किस कंपनी का फोन है, वीवो, सोमी, रियलमी, ओप्पो, जो है पोको, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा पोको है, मैं पोको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेलेक्ट मॉडल, कौन सा मॉडल है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा पोको M3 है, यहाँ पे प्रो है, आप देख सकते हैं M3 है, आप इस तरीके सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा पोको M3 प्रो है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है चेक कैपेबिलिटी पे क्लिक कर लीजिए। चेक कैपेबिलिटी पे क्लिक कर लेने के बाद देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, योर डिवाइस इज जियो ट्रू 5G रेडी। आपका जो है जियो 5G के लिए रेडी है, देख सकते हैं। अगर आप सेटिंग में आप जाना चाहते हैं आप देख सकते हैं, नीचे आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है, पढ़ सकते हैं। श्योर दैट यू हैव अपडेटेड दिस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ऑन योर पोको M3 5 Pro 5G ये डिवाइस, देख सकते हैं। इफ नॉट, अगर नहीं किए हैं तो आप सेटिंग में जाइए, अबाउट में जाकर के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो। आपको हिंट दे रहा है, बता रहा है आपको यहाँ चेक करना होगा कि हमारे कवरेज एरिया में जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे 5G जो है सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, 5G आ रहा है कि नहीं। अगर आप इसके लिए चेक करना चाहते हैं यहाँ पे चेक 5G कवरेज, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाएगा, देख सकते हैं खुल के आ चुका है। जियो का जो 5G नेटवर्क है इतने सिटीज में अवेलेबल है 7,764, इस समय मतलब 7,764 जो सिटी है, टाउन्स है, उसमें जो है आपका जियो का अवेलेबल है 5G नेटवर्क। या फिर स्टेट कर लीजिए, आपको 36 स्टेट या फिर यूटी में जो है 36 राज्य यूटी में जो है आपका जियो का 5G नेटवर्क अवेलेबल है, आ रहा है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे एरिया में, मेरे सिटी में नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद आपको यहाँ दिखाई दे सेलेक्ट योर स्टेट, आप यहाँ अपने स्टेट को चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ मिल जाता है स्टेट, आप अपने स्टेट को ढूंढ लीजिए, अपने राज्य को ढूंढ लीजिए। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उत्तर प्रदेश कितने सिटीज में या इतने शहर में जियो का 5G नेटवर्क इस समय अवेलेबल है, हमारा प्रयागराज है, इलाहाबाद है, इलाहाबाद के देख सकते हैं जो सीबी है वहां पे जियो का नेटवर्क अवेलेबल है। अगर आपके एरिया या फिर आपके सिटी का नाम यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आप घबराइए नहीं, कुछ दिन
का वेट करिए, इंतजार करिए, आपके शहर में भी जियो का 5G नेटवर्क आने लगेगा। या फिर आप जहां पे जियो का नेटवर्क आ रहा है 5G, वहां पे जाएंगे तो आपका जो जियो का 4G सिम है, जियो का जो 4G नेटवर्क है, वो ऑटोमेटिक 5G में दिखाई देने लगेगा। ऊपर देख सकते हैं हमारा 4G दिखाई दे रहा है। ऑटोमेटिक मैं उस शहर में जाऊंगा या फिर उस एरिया में जाऊंगा जहां पे जियो का 5G नेटवर्क दिखाई दे रहा है, 5G नेटवर्क अवेलेबल है, ऑटोमेटिक जियो का जो 4G दिखाई दे रहा है 5G में कन्वर्ट हो जाएगा, 5G में दिखाई नहीं लगेगा और 5G वाला नेट चलने लगेगा, 5G वाला नेट इस्तेमाल आप कर पाएंगे। इन्हीं सब तरीकों से आप जो है अपने जियो के 4G सिम को 5G में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।